Hello everyone, I am Dr. Ava Kumari, Assistant Professor, Nirmala College. Today our topic of discussion is from BSc Semester 4 and the paper is SEC 2 Graph Theory. In a graph theory, we will start the matrix representation of a graph. How can we construct a matrix from the given graph? So in this topic, the first we will see the adjacency matrix. So what this adjacency matrix is? So adjacency matrix of a graph G consists of n vertices, okay, and no parallel edges in order v1 v2 vn. Agar hamare paas vertices hai v1 v2, jaise ki hamare paas vertices hai, agar v1 hai, v2 hai aur is tarah se vn vertices hai, as n cross n matrix, tab hum isse ek matrix construct kar sakte hai n cross n, aur wo matrix hamara hoga a = aij या एक्स आई जे के फॉर्म में, ओके, एक्स आई जे. और इस एक्स आई जे यानी कि हमारा जो एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में वो किस फॉर्म का होगा, तो वो होगा एक्स आई जे के फॉर्म में. और एक्स आई जे का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो कैसा होना चाहिए, तो वो वन होगा एक्स आई जे की वैल्यू इफ़ देयर इज एन एज बिटवीन वी आई एंड वी जे. अगर दो वर्टिसेस के बीच में अगर हमें कोई एज मिलता है तो हम कहेंगे हमारा एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट वो वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे हमें वन मिलेगा. और अगर वहाँ पे हमें कोई एज नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारा एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का उस सेल के अंदर वो क्या होगा, सेल के लिए ज़ीरो हो जाएगा. सो ज़ीरो अदरवाइज. जैसे एग्जांपल हमने लिया है, एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है हमने यहाँ पे, और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे v1 है, v1, v2, v3, v4 एंड v5. हमने इन सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करा है, और ज्वाइन करने के लिए v1 से v2 कनेक्ट किया, v2 से v3 कनेक्ट किया, v1 टू v2 4 इज कनेक्टेड, v4 टू v5, v3 v5, v2 v5 एंड v1 टू v3 इज कनेक्टेड. सो हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ फ्रॉम दिस? सो वी हैव गिवन अ ग्राफ, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स फ्रॉम हियर. सो टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स वी विल सी कि हाउ कैन वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. So here we just see the graph, and here in this graph you see v1 to v1, there is no self loop. Now there is no self loop, that means ki v1 se v1 ke liye hame koi edge nahi mil raha hai, isliye hamara element kya ho gaya, zero. Next hai v1 se v2 ke liye jayenge, to v1 se v2 hame kya mila hai, ek edge mil raha hai yahan pe v1 se v2 ke liye, to humne iske element ko rakha hai 1. फिर v1 से v3 ये रहा, तो v1 से v3 तो हम इस रोड नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे v2 है, हम जा रहे हैं v1 से v3 इस पाथ से, तो हमारा v1 से v3 भी एक एज मिल गया, इसलिए हमने फिर यहाँ एलिमेंट डाला है 1. अगेन सिमिलर वे इन द फॉर्म v1 टू v4, सो v1 टू v4 हेयर इज एन एज, सो वी विल राइट अगेन द एलिमेंट इज 1. नाउ v1 टू v5, सो v1 टू v5, लुक एट हियर, v1 टू v5 there is no path, na? Since from v1 to v5 there is no path, so we write it here 0. So in this way we can construct our matrix. So here the elements of the matrix are like this one. So here is v2 1 0 1 1 1. In the third row we have 1 1 0 0 1. In the fourth row 1 1 0 0 1, and the fifth row 0 1 1 1, and again 0. So whenever we get an edge between two vertices, we just put the element there as 1, otherwise we put 0. So in this way we can construct our matrix from adjacency from the given graph, and this matrix is known as adjacency matrix. This नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक बाय फिगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और वो ग्राफ को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दोनों तरफ अगर हमारा सेम होता है तो हम कहते हैं कि हमारा फिगर जो क्या है, सिमेट्रिक है. बट क्योंकि हम यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में सिमेट्रिसिटी क्या है, तो इफ़ द देर इज नो चेंज बाय इंटरचेंजिंग रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, देन वी से दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. So here we have constructed such this type of matrix, this width, just have a look. So in this matrix
इफ यू जस्ट चेंज द रो एंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स देन व्हाट यू सी कि हेयर इज अ रो 0 1 1 1 0 सो इफ यू मेक अ ट्रांसपोज हेयर देन व्हाट यू राइट 0 1 1 1 एंड देन 0 ओके बट यू जस्ट हैव अ लुक दैट कि जब हमने इस रो को कॉलम में चेंज किया है तो हमारे पास जो पहले से कॉलम में है वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है. अगेन हम चलते हैं हमारे सेकेंड रो को. सेकेंड रो को जब हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा 1 0 1 1 1. लेकिन देखिए आपके पास जो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है क्या ये सेम है 0 1 1 1. दैट मीन्स यहाँ पे रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है बाय नेचर इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सिमेट्रिक होता है. सेकेंड नो सेल्फ लूप इंप्लाइज डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए आर जीरो. अब हमारे इस फिगर को देखिए. इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कोई भी हमारा क्या है सेल्फ लूप नहीं बना ना ए वी वन में है ना ही वी टू में ना वी फोर में कहीं भी सेल्फ लूप. सेल्फ लूप क्या होता है जब कोई वर्टेक्स खुद के साथ एक एज को बनाता है तो उसको हम लोग सेल्फ लूप कहते हैं. ओके तो यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं हो रहा है और इसकी वजह से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स अवेलेबल है इस मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो है ए के हमारे सारे के सारे क्या है वो हमारे हो जाते हैं जीरो. सो हियर इज अ डायगोनल एलिमेंट सो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल्स टू जीरो. तो ये इसकी दूसरी बहुत बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई है तो उसमें डायगोनल एंट्रीज जो है मैट्रिक्स के वो सारे के सारे क्या होंगे जीरो होंगे अगर वो कोई सेल्फ लूप नहीं बनाता है तो. ओके नाउ थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एक ग्राफ जी को हम कनेक्टेड कहेंगे इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स वी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू डॉट डॉट ए एन माइनस वन हैज नो जीरो एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल. तो अगर हम इस मैट्रिक्स के हेल्प से यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स के अगर हेल्प से हम कोई नया मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करें और बी की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए वो इसको होल्ड करनी चाहिए. तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हम बना लेते हैं बी तो उसके जो एलिमेंट्स है उसमें कोई भी जीरो एंट्री नहीं होगा ऑफ द मेन डायगोनल. ओके नाउ थर्ड फोर्थ वन. फोर्थ है कि यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ इन अ ग्राफ. ऑब्वियसली एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो हम इसे पाथ बना सकते हैं पाथ ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स से हमारा क्या मतलब है. नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब होता है कि जितने यहाँ पे हमारे एलिमेंट मौजूद है इस मैट्रिक्स में उसमें जहाँ जहाँ एंट्रीज है. तो हमारे देखिए फर्स्ट वाले हमारे रो में हमने क्या देखा कितने सारे हमारे यहाँ पे एंट्रीज है. तो फर्स्ट रो में 3 एंट्रीज है और बाकी 2 जीरो है तो हमारा यहाँ पे एंट्री हम कनेक्ट करेंगे 3. सेकेंड वाले रो में 4, थर्ड वाले रो में है 3, फोर्थ वाले रो में है 3 और फिफ्थ वाले रो में है 3. मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रो नॉन जीरो एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज व्हाट. तो इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस देन 3 प्लस 3. सो हाउ मच वी गेट इट हेयर एज 16. ओके सो नाउ वी हैव टू फाइंड degree of the vertex. So let us see this figure, this one. So now degree of the vertex, let us find the degree of the vertex. So what of the d of v1 is, so d of v1 is 1 2 3, so 3. Now what of d of v2, d of v2 is again v2 1 2 3, then 4, so it is 4. Now degree of v3, what about v3, v3 we have 1 2 3, right. Now degree of v4, now degree of v4 is what, 1 2 3, this is 3. Now degree of v5, so v5 ke liye hamare paas kitna mil gaya hai, to 1 2 3. Okay, so if we add all these degrees, so what we get here is 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, 10 plus 3 13, and 13 plus 3 is 16. That means we have total number of degree as 16. So here we can say that the property here we have the number of non-zero element equal to the sum of the degree of the all vertices of the graph is absolutely correct. So this holds in this problem in the previous example.
Now let us see some other matrix. So then our next matrix is incidence matrix. Okay. Next matrix are incidence matrix. So what this incidence matrix here is? Next incidence matrix. So let G equals to VE be a graph where V equals to V1, V2, V3 up to dot dot V4 and E equals to E1, E2, E3 up to dot dot EM. Okay. And has no self loop. तो incidence matrix के लिए आपका जो भी matrix आप construct करेंगे उसके graph में कोई भी self loop होना जरूरी नहीं है, नहीं होगा. तो then we define an n cross m matrix such that m equals to xij where xij equals to 1 if the vertex vi is incident on edge ej. मतलब आपका अगर कोई incident मिलता है एज तो हम कहेंगे कि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे उस एलिमेंट रो के लिए, उस रो पे उस सेल का जो एलिमेंट है वो हमें 1 मिलेगा. और अगर हमें कोई इंसिडेंस नहीं मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि वो वहां पे क्या हो जाता है, 0. ओके. तो दो चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमें किसी भी वर्टेक्स से कोई पाथ मिलता है तो हम कहेंगे कि वो इंसिडेंट है और उसके लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. और अगर वहां से हमें कोई एज नहीं मिलता, कोई एज कनेक्ट नहीं करता तो वो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, 0. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल में देखिए हम मैंने ग्राफ लिया है. सो यहाँ क्वेश्चन हमें दिया गया है कि राइट द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एंड ग्राफ इज गिवन. ओके. सो हेयर यू हैव टू जस्ट फाइंड द मैट्रिक्स एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो फर्स्ट यू सी द फिगर एंड यू हैव गिवन दैट इज यू हैव टू फाइंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो इट इज necessary to know the properties of incidence matrix. As above I have told ki xij equals to 1 if the vertex vi n is incident on the edge ej and 0 otherwise. So let us construct the matrix. So just look at this figure. So here in this figure we have v1, v2, v3, v4, v5 and all the edges are also given. So from v1 to v2 we have e1, then E2, then E3, E4, E5, E6, E7, E8. Okay, so I have just make a matrix here. So here in this matrix, you just see. First, I have written in the column of A, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 in this way. And V1, V2, V3 here. So we have to just find the elements. What are the elements of this matrix? Okay, so first we take V1. तो V1 से E1 तो हम ये देखेंगे कि E1 के थ्रू हमें क्या पाथ मिला है. तो V1 से E1 देखिए हमारे पास एक पाथ है, V1 से E1 हम जा सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा E1. फिर है E2, तो V1 के लिए हमारे पास E2 भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन 1. सो आवर एंट्री इज 1. नाउ V1 टू E3, तो V1 टू E3 अगेन वी हैव अ पाथ हियर, सो वी जस्ट राइट इट हियर 1. नाउ E4, we do not have any connection with E4 because here is E4 and we have no connected path with E4 with the H4. Okay, so we just write it here 0. Now E5, just look at here, the E5 we have connected with E5, okay, this way, so we write it here 1. Okay, now E6, E7 and E8. E7 is here, E6 is here and E8 is here. So no connection with the vertex V1. So we just write it here 0, 0 and 0. On the same way, we can find the elements of V2, then of course V3, then V4 and then V5. So here we can get the elements of our matrix and this matrix is known as incidence matrix. So if you want to give some name, then you can give the name as M equal to this one, and this is the matrix of matrix formed by the graph and this is the incidence matrix. I hope you all understand it very well. If you have any doubt, any query about the today's lecture, then give me a comment in comment box. Okay, to next day we will do some properties of incidence matrix and of course some more matrix. How can we find the matrix from the graph? Okay, till then, thank you.